जिला अस्पताल सहित जनपद में 89 केंद्रों पर गुरुवार को 24,712 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 19,232 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 5,480 लोग शामिल रहे। इसी के साथ जनपद में अब तक कुल 17,00,000 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया जा चुका है, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 14,06,798 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 3,02,654 लोग शामिल रहे, जो अब तक का रिकॉर्ड है। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि मेडिकल कॉलेज, एम्स, महिला जिला अस्पताल तथा संक्रमण विभाग तथा सभी सीएचसी पीएचसी पर कोविड टीकाकरण किया गया। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण टीकाकरण में कुछ दिक्कतें आईं, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने बढ़ चढ़ कर टीका लगवाया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जनपद में 89 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है, और उसमें से हमारे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एम्स, हमारे जिला अस्पताल, महिला अस्पताल के साथ साथ हमारे अर्बन पीएससी और हमारी सभी रूरल सीएससी पर टीकाकरण चल रहा है। सर, आज का क्या लक्ष्य? आज का लक्ष्य हमारा 20,000 से ज़्यादा का है। कल हमने 15,500 के आसपास की वैक्सीनेशन किया है। आज भी लोगों की लगी हुई थी, तो लक्ष्य से ऊपर हम वैक्सीनेशन करेंगे। सर, जनता से क्या? जनता से हमारी अपेक्षा ये है कि लोग कोरोना के नियमों का पालन करें, भीड़ भाड़ में ना जाएं, और जब भी जाएं तो मास्क पहन के जाएं। देखा जा रहा है कि सभी लोगों ने मास्क उतार दिया है, तो ऐसी गलती ना करें। कोरोना अभी गया नहीं है, इससे बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन एक बहुत अच्छा टूल है, जिससे कि हम कोरोना के महामारी से अपने को बचा सकते हैं। जब देखा गया है कि जिन लोगों ने भी वैक्सीनेशन कराया था, उनमें डेथ ना के बराबर हुई है, तो जब भी वैक्सीनेशन का समय आए, लोग अपना अपनी बारी के इंतज़ार में रहें, और जब भी उनका समय आए तो वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि हम जिले से कोरोना को मुक्त कर सकें।